ब्यूटीफुल फैमिली, आई होप आप सब अच्छे हो और आपका दिन भी अच्छा बीते एंड वेरी हैप्पी करवा चौथ सबको, दोज हु आर फास्टिंग नॉट फास्टिंग, पर सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड ये है मेरा आउटफिट। ये जो मेरा आउटफिट है ये अभी दिन के लिए है, ये दिन के लिए है। इवनिंग में मैं साड़ी डालने वाली हूँ, वो आपको आगे दिखेगा और नए नए कंटेंट भी दिखेंगे आपको नंद भाभी के। प्लीज ट्यून इन टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आज मैं करवा चौथ पे क्या क्या करती हूँ वो सब आपको दिखाऊंगी। थोड़ा मेस्ड अप हो रखा है, घर में काम चल रहा है, बट मैं मम्मी के घर जाऊंगी, वहां पे सारी तैयारी मम्मी ने की है और मैं इवनिंग तक जाऊंगी, वहीं पे रेडी होंगी, वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगी। थैंक यू, मिलते हैं आगे व्लॉग में। हम निकल गए टैक्सी लेके, लोगों को नींद भी थोड़ी आने लगी थी क्योंकि शाम हो गई थी। ये मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के घर और ये है नवेश, इसको मैंने आते ही उठा लिया, ये मुझे पहचान जाता है कि बुआ आ गई। फिर मैंने क्या किया, इसको ना तैयार होते होते इसके गले में भी सेट डाल दिया, छोटा सा क्लिप बना लिया इसका भी। और ये रही सास बहू की जोड़ी, नया जमाना आ गया है भाई दोस्तों। बहू देखो सास को एकदम टिप टॉप करके रखती है, इस चीज में तो शगुन को मानना पड़ेगा। मम्मी को एकदम चेंज कर दिया उसने जब से वो आई है, उसने पूरा मेकओवर कर दिया है मम्मी का, एकदम टिप टॉप करके रखती है मम्मी को। और फिर मैंने भी सोचा थोड़ा मेकअप खुद से भी कर लूं, क्योंकि शगुन रेडी नहीं हो पाती है, हर साल यही होता है, वो दूसरों को तैयार करने के चक्कर में खुद नहीं हो पाती है। फिर मैंने बोला कि लाओ मैं करती हूँ, तुम अपना खुद से फटाफट करके फिनिश करो। के बाद शगुन भी रेडी होने लगी फटाफट, क्योंकि ना मैं बहुत लेट हो गई थी पूजा करते करते करते, बैठते बैठते ही 8 बज गई थी, इसीलिए मैंने उसको बोला तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, दूसरों को तैयार करने के चक्कर में उसका ही छूट जाता है हमेशा। आगे मैं आपको थोड़ी क्लिप दिखाती हूँ कथा की, ये मैं कथा पढ़ रही हूँ। कृष्ण की आराधना की, कृष्ण उपस्थित हुए और पूछे कहो क्या कष्ट है प्रभु। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से बिहाल कर दिया, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी, कृष्ण मुस्कुराकर बोले। प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए, द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था, तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था, फिर प्रभु कर। हमारे यहाँ ना नंद भाभी एक दूसरे से करवा बदल सकती हैं, पर सास बहू नहीं बदल सकती, तो मम्मी अपना करवा अकेले बदल रही थी, फिर मैंने और शगुन ने अपना अपना करवा बदला, जो मैं हम हर साल करते हैं एक साथ। फिर देखो चांद आया, चांद नजर आया, बस और क्या, देखिए चांद। फिर हमने पूजा की फटाफट, ताकि पानी तो मिल जाए क्योंकि बहुत तेज प्यास लग रही थी। सबसे पहले मैंने पूजा की, तो मैंने अपना क्लिप तो डाल दिया, इसके बाद शगुन ने की, उसके बाद ही मम्मी ने की, फिर जो नीचे रहती थी वो भी आ गई थी फिर पूजा करने, हम सब ने मिलके फिर पूजा की। और फिर खाने में मम्मी ने बनाया था गोभी आलू की सब्जी, खीर आपने देख ही लिया, और ये कचौड़ियाँ मम्मी छान रही थी, और पापा भी रसमलाई वगैरह लेके आए थे, खीर बहुत टेस्टी बनी थी। ये रही रसमलाई और ये है कद्दू की। फाइनली ये रहा पूरा खाना, बैठेंगे खाने और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर लविंग।